नमस्कार दोस्तों, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुशी सिंह अर्चना यादव की ग्राउंड रिपोर्ट की लाइव कवरेज। सरकार की नीति, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और शिक्षा पर ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव SSD देहाती खबर। आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं खुशी सिंह कैमरामैन चंद्रपाल के साथ। आइए आज हम पहुंचे हैं नोएडा सेक्टर 63 में, जहां से हम जानेंगे जनता के बीच की ग्राउंड रिपोर्ट। सत्यम दुबे जी, आप कहां से बिलोंग करते हैं? वाराणसी से। आपने वोटिंग की हुई है सर? अभी नहीं, 7 मार्च को है हमारी जिला में। अच्छा, आपके यहाँ 7 मार्च को, तो आप वहाँ पे जाके वोटिंग करेंगे, राइट? ओके, तो जो आपका जो महंगाई और जो चल रहा है और जो बेरोजगारी को लेकर के महंगाई चल रहा है, तो आपके उसके बारे में क्या राय है? एक्चुअली में महंगाई तो है, चीजें जो डेवलपमेंट होता है तो महंगाई तो बढ़ती ही है, ठीक है ना। और उतना थोड़ा सा लोगों को चीजों को झेलना ही पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए। फिर भी सरकार जो है चाहे तो जो है चीजों को सस्ता कर सकती है, कुछ जो है रियायत देकर, चाहे तो सब्सिडीज देकर, ताकि आम जनता पर उसका बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े। और लेकिन उसका जो है वित्तीय घाटा सरकार को थोड़ा झेलना पड़ेगा, ये थोड़ी समस्या आएगी। तो जिसके पास सर बेरोजगारी है तो उनके लिए सही है ना महंगाई, और जिसके पास जो जिनके पास जॉब नहीं है तो वो कैसे झेलेंगे बताएं? इसके लिए अन्य राज्यों में सरकार जो है योजनाएं निकाल रही है कि 2 टाइम का खाना दे रही है सस्ते में, उस तरह का हमारी राज्य सरकार को भी ऐसा कुछ योजना लाना चाहिए, ताकि कम से कम मनुष्य की जो बेसिक जरूरत है फूड की वो कंप्लीट हो सके। वो सबसे प्राथमिक जरूरत होती है आदमी की, रोटी, कपड़ा, मकान। तो इसके लिए सरकार कुछ योजनाएं लाए, यही एक आधारभूत है, और साथ में रोजगार का अवसर प्रदान करें। तो जो योजनाएं लाई गई हैं, तो क्या यहाँ पे नोएडा में आपको लगता है कि योजनाएं जो लाया गया है वो मिला हुआ है योजना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर कंपनी के बाहर लिखा है कामगारों की जरूरत है, मजदूरों की जरूरत है। तो मुझे तो नहीं लगता बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। अब लोग ही डेवलप अपने स्किल को नहीं करेंगे तो बेरोजगारी तो होगी ही। अच्छा, आपने वोटिंग की हुई है सर? अच्छा, तो सर आपने जो वोटिंग की हुई है तो मैं जानना चाहूंगी कि सर वोटिंग की हुई है किस मुद्दे को लेकर के आपने वोटिंग की हुई है? मैम, हमने हिंदुस्तान के विकास के लिए वोटिंग की है श्री योगी आदित्यनाथ महाराज की। ओके, तो मतलब क्या जो अभी चल रहा है, जो महंगाई चल रही है, तो आपसे उससे मतलब आप सक्षम है कि आप जो महंगाई चल रही है जो सरकार है उसी से खुश है, या मतलब दूसरी सरकार जो आने वाली 2022 का विधानसभा चुनाव हो चुका है तो उसमें क्या सरकार बदलना चाहते हैं या वही जो पिछला सरकार है वही रहना चाहते हैं? मैम एक बात बताइए, देश विकास करेगा तो महंगाई भी हम झेलने के लिए तैयार है ना। महंगाई है कहाँ? महंगाई तो नहीं है। आप क्या करते हैं? मैम मेरा यानी बिजनेस है, मैं तो एक ड्राइवर आदमी, गाड़ी बना रहा हूं चलाने के लिए। महंगाई नहीं है, बिल्कुल महंगाई नहीं मेरे लिए। कोई सक्षम है मैम, गुंडागर्दी खत्म है। आप आज आप यानी घूम तो रहे हो, नहीं तो यहाँ कौन है? अभी यहाँ भीड़ लग जाती है आप लोगों को छेड़ने के लिए। ये योगी बाबा का राज है ना। अच्छा, तो जो आप सरकार है उसी से आप लोग संतुष्ट है? मैम बिल्कुल एकदम, बहुत बढ़िया। सर आपका क्या नाम होगा? सतीश शर्मा। सर आप क्या करते हैं? ये अपना होटल है। अच्छा, आपका होटल है। मंथली इनकम कितना हो जाता होगा? 30,000। इससे मतलब फैमिली आपका अच्छा चल रहा है, सब कुछ? Yes. तो आपने वोटिंग की हुई है सर? तो वोटिंग आपने किया हुआ है तो किस मुद्दे को लेकर के आपने वोटिंग की हुआ है सर? विकास के ऊपर, ठीक है, विकास हुआ है। देखो अनर पार्टियां होती है, उसमें बोलती है, विपक्ष भी बोलेगा, वैसे भी बोलेगा, बाकी हर चीज को लेकर के, और सारी चीज हमने देखी। देखो महंगाई हर सरकार में उतार चढ़ाव होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है, हर चीज में उतार चढ़ाव होगा। जैसे कि अभी चलो ये चल रहा है अपना युद्ध बोस का रखा है, रूस का रखा है, यूक्रेन का रखा है, इसी चीज के मुद्दे पे चढ़ते हुए। जैसे कोयला हमारे वहाँ से उत्पाद होता है, सारा चीज आता है, निर्यात यहाँ से करता है, ठीक है, सारी चीज को लेके गवर्नमेंट पर थोड़ी लांछन लगेगा यार। गवर्नमेंट पे नहीं लगेगा, अगर दुनिया इस चीज के बारे में जानती है, दुनिया इस चीज के बारे में जानती है कि देखो सारा दोषी गवर्नमेंट को नहीं ठहराया जाता, कभी भी नहीं ठहराया जाएगा कि आने वाले टाइम पर देखो बीजेपी चढ़ रही है, उन्होंने ज्यादा महंगाई कर दी है। सारी चीज आर्थिक चीज देखी जाती है उस मुद्दे पर जो महंगाई की होती है। बताइए, हम तो इस चीज में खुश है, वोटिंग हम कर चुके हैं। तो आप शिक्षा को लेकर के क्या कहेंगे कि जो पहले शिक्षा मतलब जो अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी तो उससे आप सक्षम है, या जो स्कूल में बच्चे जा करके पढ़ते थे उससे आप सक्षम है? देखो जी, दोनों चीज से देखा सकता है। देखो स्टूडेंट हो, कोई भी हो, अपने घर में भी पढ़ाई कर सकता है, उनके अगर पेरेंट्स
जिन्होंने एजुकेशन कर रखा है, जिनको बेरोजगारी नहीं मिली है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं है बेरोजगारी पहले के हिसाब से, पहले से तुलना क्या थी? 5 साल यही तो योजना में चलती आ रही है ना बीजेपी, उससे पहले भी तो थी, 70 साल पहले भी थी, उसमें बेरोजगारी नहीं थी, पहले भी थी, ये भी तो देखिए आप, पहले भी थी ना ऐसा, ऐसे एक साथ में ऐसे आने के टाइम तक ऐसा वो नहीं कर दिया कि बेरोजगारी और ज्यादा हो गई हो, कितने परसेंट बेरोजगारी होगी, पहले कितने परसेंट थी अब कितने परसेंट है, हमें इस चीज की व्याख्या बताइए ना। आपसे जानना चाहती थी कि पहले जैसे कि अब हमको वहाँ पे शिक्षक के पास जाते थे, तो ऑनलाइन में आपको क्या लगता है कि अच्छा पढ़ाई होता था? ऑनलाइन जो पढ़ाई होते हैं ऑनलाइन वो स्टूडेंट के ऊपर, बच्चों के ऊपर भी है, स्टूडेंट के ऊपर भी है, अगर पढ़ना चाहता है हमारी, देखो एक तो लोग कॉलेज गया या स्कूलिंग गया, उसमें पढ़ के आया, एक अभ्यास भी बहुत जरूरी है घर के अंदर, अब उसको हम रिटेन करेंगे, पढ़ेंगे अपने दिमाग पे माइंड पे लेके चलेंगे शिक्षा के लेकर, तो उसी लेकर के हम सक्षम बन पाएंगे। हमें पता है कि वहां से शट डाउन हुआ या लॉकडाउन हुआ, हमें हंसी खेल कूद में लग गए, उस चीज में थोड़ी नहीं उसमें चल जाएगा, सारी चीज इसी चीज में नहीं होता है। लॉकडाउन के बाद आपको कोई परेशानियां बढ़ी या नहीं बढ़ी? नहीं नहीं ऐसा कुछ, सब ठीक है, सब चीज थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता जरूर है, बाकी सब ठीक है। आपका क्या नाम होगा? गांधी आयोग नाम। ओके, तो आप क्या करते हैं? आपका खर्चा अच्छा से चल जाता है पार्किंग से? कैसे नहीं चले या ना चले, अगर चलाना है तो चलाना पड़ेगा। तो बेरोजगारी को लेकर के आपका क्या राय है? बेरोजगारी में तो इतना फैला हुआ है कि अब कोई कह नहीं सकता, हम जानते हैं कितना फैला नहीं फैला, लेकिन कहते नहीं बेरोजगारी तो है। नहीं तो आप अगर कहेंगे नहीं तो सरकार के पास आपकी बातें कैसे पहुंचेगी? आपको तो जनता को कहना पड़ेगा ना, हम तो इसीलिए आए हैं ना आपके पास। नहीं तो वही तो हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी तो हर जगह है, कौन कहता है बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी हर जगह है। बिल्कुल भाई, ये लॉकडाउन लगा, हर कोई बात खाया, कौन नहीं घूमा, कौन नहीं कहाँ गया बताइए, हम नहीं जानते हैं कौन बंदा कहाँ गया, क्या किया क्या ना किया, वो तो जिसको अगर पालना है तो चाहे कुछ भी जितना भी हो जाए तो उसे करना तो करता है। तो आपकी मांग सरकार से क्या होगी? तो फिर अब है, हमें तो है मांग सरकार है, लेकिन है जो अपने अंदर है, तो जो आपके बच्चे हैं तो वो क्या अभी स्कूल जा रहे हैं या क्या? अच्छा अभी शादी शुदा आप नहीं है तो घर में तो मतलब फैमिली के तो वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं? नहीं जा रहे, जब से ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है जिससे बच्चे बर्बाद ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है उससे आप लोग सक्षम नहीं है राइट? ऑनलाइन पढ़ाई सक्षम नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम है सर? मतलब ऑनलाइन ज्यादा बहुत ज्यादा बच्चों। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।